हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने काफ़ी मुद्दतों के बाद एक औलाद अता फरमाई जिनका नाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम है। एक रात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ख्वाब देखते हैं कि ए इब्राहीम, मेरी राह में अपनी प्यारी चीज़ कुर्बान करो। तो फौरन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेदार होते हैं और जैसे ही सूरज तुलू होता है अपना सारा माल अल्लाह ताला की बारगाह में कुर्बान कर देते हैं। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोचते हैं, मैंने अपना सब कुछ अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। और रात में जैसे ही सोते हैं फिर वही ख्वाब देखते हैं और गैब से आवाज़ आती है, ए इब्राहीम, मेरी राह में अपनी प्यारी चीज़ कुर्बान करो। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेदार हुए और दिल से सोचने लगे कि मेरे नज़दीक सबसे प्यारी चीज़ मेरा बेटा इस्माईल है, ए अल्लाह, क्या तू ये तो नहीं देखना चाहता कि मैं इस्माईल से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ या तुझसे? ए अल्लाह, लाखों इस्माईल तेरे नाम पर कुर्बान। इब्राहीम अलैहिस्सलाम फौरन फ़िलिस्तीन से मक्का की तरफ रवाना होते हैं और अपनी प्यारी बीवी हज़रत हाजरा से कहते हैं, मेरे बेटे इस्माईल को तैयार करके नया लिबास पहना कर, खुशबू लगा, मैं एक दावत में अपने बेटे को लेकर जा रहा हूँ। बीबी हाजरा ने अपने बेटे इस्माईल को तैयार किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करने के लिए चले। जब शैतान ने इस मंज़र को देखा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की रज़ा की खातिर अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए जा रहे हैं, तो शैतान के तन बदन में आग लग गई और शैतान सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आता है और कहने लगता है, ए इब्राहीम, तू एक ख्वाब देखकर अपने प्यारे बेटे इस्माईल को कुर्बान करने चला है, अल्लाह ताला को राज़ी करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पत्थर उठाया और शैतान को मारा और फरमाया, हट जा मेरे रास्ते से, अगर मेरे पास हज़ारों इस्माईल होते तो मैं एक एक करके अल्लाह ताला की बारगाह में सबको कुर्बान कर देता। फिर शैतान हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास गया, वहाँ पर भी शैतान नाकामयाब रहा और फिर मायूस होकर शैतान हज़रत हाजरा के पास आता है, लेकिन शैतान वहाँ भी नाकामयाब हो जाता है। रास्ते में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, ए इस्माईल, पता है मैं आपको कहाँ लेकर जा रहा हूँ? हज़रत इस्माईल ने कहा, हाँ बाबा जान, आप मुझे एक दावत में लेकर जा रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए इस्माईल, मैं तुझे कोई दावत में लेकर नहीं जा रहा हूँ, मैं अल्लाह के हुक्म से तुम्हें कुर्बान करने जा रहा हूँ। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा, ए बाबा जान, अगर मुझे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया जाए तो मेरे लिए इससे बेहतर और क्या है, लेकिन बाबा जान, मुझे ज़िबह करने से पहले मेरे हाथ और पांव रस्सी से बांध दें और आप अपनी आँखों में पट्टी बांध लें। मैं जानता हूँ आप मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, आप मेरी लाश को तड़पते हुए देखें, ये तकलीफ़ मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी आँखों में पट्टी बांधी और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के हाथ पैर बांधे और छुरी को हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के गले पर रखा और कहा, ए अल्लाह, देख मैं अपनी सबसे प्यारी चीज़ तेरी राह में कुर्बान कर रहा हूँ। ए अल्लाह, अगर तू मुझे लाखों इस्माईल अता करता तो मैं लाखों इस्माईल तेरी रज़ा की खातिर कुर्बान कर देता। ये कहकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे के गले में छुरी चलाने लगते हैं और फिर अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ए जिब्रील, जन्नत से एक जानवर लाकर इस्माईल की जगह पेश कर। इब्राहीम अपने इम्तिहान में कामयाब हुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी चलाई, खून बहने लगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी आँखों से पट्टी खोला तो देखा कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम सही सलामत उनकी आँखों के सामने खड़े हैं और उनकी जगह पर एक जानवर जिवा हो गया है। गैप से आवाज़ आई, ए इब्राहीम, तू अपने इम्तिहान में कामयाब हुआ और आपकी इस कुर्बानी को हर आने वाले इंसान के लिए हम यादगार रखेंगे। आज हर मुसलमान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को हर साल ज़िंदा करता है और हर साल अल्लाह की रज़ा की खातिर कुर्बानी करता है। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का इख्तिताम होता है।
उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए अपना और गिर्दोनवाह के तमाम साथियों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।